हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट लेट पी इक्वल्स दिस गिवन मैट्रिक्स वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल. सपोज क्यू इक्वल्स क्यू आई जे इज अ मैट्रिक्स सच दैट पी क्यू इक्वल्स के आई वेयर के बिलोंग्स टू रियल, के नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री. क्यू टू थ्री इक्वल्स माइनस के बाई एट. डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इक्वल्स के स्क्वायर बाय टू. देन सो दीज आर द गिवन ऑप्शंस हियर. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा सॉल्विंग के लिए वो हमारे पास होगा फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अब देखिए सवाल में हमें दिया गया है एक पी मैट्रिक्स है और पी क्यू जो है वो के आई के इक्वल है, ये हमें दे रखा है. तो अगर पी क्यू के आई के इक्वल है सो दिस इम्प्लाइज दैट क्यू जो है ये क्या हो जाएगा, हम लोग इनवर्स ले सकते हैं दोनों तरफ. सो हमारे पास ये बनेगा, इनवर्स लें तो ये आएगा पी इनवर्स ऑफ पी क्यू इक्वल्स P इनवर्स K इज कॉन्स्टेंट सो K को हम लोग आगे ले सकते हैं टाइम्स I. सो दिस इम्प्लाइज दिस बिकम्स I टाइम्स Q इक्वल्स K P इनवर्स विच अगेन इम्प्लाइज Q मैट्रिक्स जो है वो अपने को मिल जाएगा K टाइम्स P इनवर्स. यानी सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स P का इनवर्स निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग P मैट्रिक्स को लिख लेते हैं. तो वो हमें दे रखा है 3 -1 -2. तो 3 -1 -2 देन 2 0 अल्फा देन 3 -5 देन 0. तो जैसा कि हम जानते हैं कि P इनवर्स जो है वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P और एडजॉइंट ऑफ P जो है ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P की. तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं. तो ये बनेगा 3 times 0 + 5 अल्फा देन -1 times 0 - 3 अल्फा देन -2 times -10 - 0. तो ये अपने पास हो गया 15 अल्फा देन +1 into -3 अल्फा सो -3 अल्फा आएगा ये और ये हो जाएगा +20. तो ये आ गया अपने पास डिटर्मिनेंट 12 अल्फा + 20. अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की. तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं. को फैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा माइनर मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है. हम जानते हैं को फैक्टर के एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास -1 raised to i + j times minor of ij. तो ये हमारे पास बनेगा को फैक्टर मैट्रिक्स. सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा अपने पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटेगा सो 0 + 5 अल्फा सो ये 5 अल्फा हो जाएगा देन 3 अल्फा देन -10 देन इट विल बिकम 10 6 12 then -alpha - 3 alpha + 4 then 2. एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका एडजॉइंट ऑफ पी इसका ट्रांसपोज होगा सो दिस इंप्लाइज पी इनवर्स जो है ये अपने पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ पी. सो एडजॉइंट ऑफ पी अपने पास आ जाएगा 5 alpha - 10 -alpha 3 alpha 6 - 3 alpha + 4 then minus
10, then 12, then 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, दैट इज 12 अल्फा प्लस 20। ये पी इनवर्स आ गया अपने पास, जो कि किसके इक्वल है, क्यू के ही इक्वल है। सो अगर हम बात करें एलिमेंट क्यू 2 3 की, जो मैं सवाल में किसके इक्वल दे रखा था, माइनस के बाय 8, तो क्यू 2 3 एलिमेंट जो है वो अपने पास है माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 बाय 12 अल्फा प्लस 20, ये इक्वल है माइनस के बाय 8 के, सॉरी ये क्यू के इक्वल नहीं था अपने पास, ये आ जाता है, ये पी इनवर्स था। क्यू जो मैट्रिक्स है अपने पास, ये के टाइम्स पी इनवर्स है, तो के और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। सो क्योंकि के कांस्टेंट है, हम लोग के इधर बाहर लिख सकते हैं। सो ये अपने पास जो है क्यू 2 3 एलिमेंट जो है अपने पास, ये के टाइम्स आएगा यहाँ पर। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के टाइम्स, तो के और के कैंसिल हो गया। सो ये आ गया माइनस, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट कर देंगे, देन बचेगा, वो बचेगा 3 अल्फा प्लस 4 बाय 12 अल्फा प्लस 20 इक्वल्स 1 बाय 8, विच इम्प्लाइज 24 अल्फा प्लस 32 इक्वल्स 12 अल्फा प्लस 20। सो वी गॉट 12 अल्फा इक्वल्स -12। सो यहां से हमें जो अल्फा की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, -1, तो अल्फा आ गया। और हमें क्या दे रखा था सवाल में, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो है ये के स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स पी इनवर्स इक्वल्स के स्क्वायर बाय 2, जो कि इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स पी इनवर्स क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स एनी मैट्रिक्स इज सेम एज के टाइम के क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये मिल गया अपने पास, के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स इक्वल्स के स्क्वायर बाय 2। सो दिस इंप्लाइज के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स ये आ जाएगा 1 बाय 2 के इक्वल, विच इट इम्प्लाइज के बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी दिस इक्वल्स 1 बाय 2। अब हम बात करें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ पी की, तो वो था 12 अल्फा प्लस 20, सो अल्फा की वैल्यू -1 रखेंगे तो 8 आएगी वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज दैट के अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी इज 8 इक्वल्स 1 बाय 2, तो यहां से हमें के की वैल्यू जो है वो मिल गई 4 के इक्वल। ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो है वो क्या था, के स्क्वायर बाय 2 था, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2, सो यानी 16 बाय 2, दैट इज 8। तो हमारे पास जो सवाल में दिया गया था, हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या हो गए, पहला तो गलत हो गया। सेकंड की बात करें तो अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग -1 रखें और के की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, सो ये हमारे पास बनेगा 4 अल्फा माइनस के 4 अल्फा माइनस के प्लस 8। अगर इसकी वैल्यू बात करें तो 4 इंटू -1 माइनस के, के इज 4 प्लस 8, -4 -4 -8 + 8, ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ये करेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ क्यू जो है ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ P टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का स्क्वायर, सो दैट इज 2 रेस टू 3 टाइम्स 2 रेस टू 6, दैट इज 2 रेस टू 9।
ऑल्सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्यू टाइम्स एडजॉइंट ऑफ पी जो है ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर, तो ये भी इक्वल आएगा किसके, 2 की पावर 9 के ही इक्वल आएगा। तो जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं कौन से हो जाएंगे, बी और सी। सो हेंस ऑप्शंस बी एंड सी आर करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।